नमस्कार साथियों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल UP SSC ITI इंस्ट्रक्टर के ऊपर। जैसे कि आप लोग सबको ज्ञात है कि हम लोग लगातार इस सीरीज को चला रहे हैं मैथमेटिक्स को, जो कि UP SSC ITI से संबंधित है। तो आज हम लोग अपनी चौथी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चौथी वीडियो हमारी है, इसके पहले हम लोग तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि दो मैथमेटिक्स का और एक है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। ठीक है, आज हम चौथी वीडियो पढ़ रहे हैं। चौथा वीडियो आ जाए साधारण अंकगणितीय समीकरण के ऊपर। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, इस अध्याय के अंतर्गत संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक करणी पर आधारित प्रश्न पूछे हैं। तो यानी इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हर टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि इसमें प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे दिया है वर्गमूल, घनमूल, साधारण भिन्न के ऊपर, दशमलव भिन्न के ऊपर। वैसे बता दें आपको कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न का वीडियो हम लोग बना चुके थे, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। घातांक करणी आदि सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जो जोड़ घटा गुणा भाग कोष्ठक पर आधारित होते हैं। ठीक, इन प्रश्नों को कुछ बोर्डमास के क्रम में हल किया जाता है। ठीक है, तो बोर्डमास अभी आप हम आगे देखेंगे बोर्डमास क्या होता है। ठीक है, बोर्डमास की मेथड से हल किया जाता है। ठीक है, बाकी भी बोर्डमास के बारे में थोड़ा सा जानकारी इसमें है। जैसे कि कोष्टक के अंदर कोष्टक आए तो सर्वप्रथम अंदर वाले कोष्टक को हल करते हैं, इस प्रकार बाहर वाला कोष्टक सबसे अंत में हल किया जाता है। यदि व्यंजक को रेखा कोष्टक भी उपस्थित हो तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाता है। बोर्डमास संबंधी प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी बेसिक मतलब यह है कि बोर्डमास क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे स्लाइड में बोर्डमास को देख लेते हैं क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि क्योंकि हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं या फिर अंकगणितीय समीकरण पढ़ रहे हैं, समीकरण के अंतर्गत संख्याओं में भी क्या हो सकता है, फॉर्मूले का इस्तेमाल होता था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला है। ठीक, ऐसे आप लोग सारी फार्मूला देख लेंगे। ठीक है, उसको बेसिक एक मिनट देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये हम लोग आगे अपने प्रश्नों में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग बोर्डमास क्या होता है। बोर्डमास का बेसिक अर्थ क्या है समझिए पहले, बोर्डमास का याद कैसे हुआ। देखिए इसमें जो जितने भी लेटर्स हैं उनका इंडिविजुअल क्या है, मीनिंग है, यानी अपने आप में इनका कुछ मतलब होता है बोर्डमास में। ठीक, तो पहले एक बार हम लोग ऐसे देख लिया जाए कि बी से क्या होता है। जैसे कि बी का मतलब है ब्रैकेट में क्या, हाँ ठीक है, चलिए हिंदी में लिख देता हूँ मैं। बी का मतलब क्या है, बी से होगा आपका कोष्ठक, कोष्ठक। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब, ओ का मतलब क्या होगा, ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का के और की। ठीक, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड यानी कि भाग, यानी कि डी का मतलब भाग। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हम कहेंगे। ठीक, और ए का मतलब क्या होता है, एडिशन या ऐड, मतलब कि ये हो गया आपका जोड़। ठीक, उसके बाद से है एस, एस का मतलब सब्सट्रैक्ट यानी कि घटा। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ से बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ यानी कि का के की, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सब्सट्रैक्ट या फिर घटाओ। ठीक, तो ये होता है बोर्डमास का बेसिक फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखो, जैसे मान लो कोई प्रश्न ऐसे है, जैसे उदाहरण के लिए, एक सेकंड, उदाहरण के लिए प्रश्न है 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16 माइनस 10। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। ठीक, देखिए तो हम इसमें क्या, कोई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से घटा लेंगे, दुगुना कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब इसमें क्या है, ऑफ भी कहीं नहीं है,
ब्रैकेट और ऑफ क्या हो गया, यहाँ समाप्त हो गया। उसके बाद क्या डी यानी डिवाइड, यहाँ भाग है तो पहले भाग सॉल्व होगा, इसका मतलब कि 30 डिवाइडेड बाई 10 देन मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16 माइनस 10, तो यहाँ से क्या होगा डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 उसके डी के पास क्या आएगा एम आएगा यानी मल्टीप्लाई, तो भाग कर लिए क्या करेंगे उसके बाद से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 3 का 4 गुणा होगा तो 3 चौके 12 प्लस 16 माइनस 10। अब बटमास के हिसाब से पर क्या करेंगे, जोड़ वाला काम करेंगे, तो ये संख्याएं जोड़ में हैं तो इनको जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 28 और माइनस 10, तो लास्ट में क्या करेंगे अब सिंपल सिंपल बचा है यानी कि 18 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस से चलेगा, यानी कि पहले से क्या सॉल्व होगा यानी जोड़ घटाओ गुणा भाग में से या ब्रैकेट में से पहले कौन सॉल्व होगा ये बताता है, बेसिक रूल होता है बोर्ड मास का, यानी कि किसी भी समीकरण को या सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का बेसिक रूल से आइडेंटिफाई कराता है कौन बोर्ड मास। ठीक, जैसे ब्रैकेट्स की बात करें, जैसे देखो ये होता है बड़ा कोष्टक, ऐसे ये बड़ा कोष्टक होता है, ऐसे कुछ होता है मझौला कोष्टक, और ये क्या होता है सबसे छोटा कोष्टक, एक होता है ये बार कोष्टक होता है, जैसे किसी संख्या जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 4 लिखा है और यहाँ प्लस लिख करके 6 लिखा है और ऐसे है, यानी इसके क्या है 4 के ऊपर भी एक कोष्टक लगाया है, ठीक है ना, तो सबसे छोटा कोष्टक क्या होता है ये लाइन कोष्टक बोलते हैं या फिर बार कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक 4 ब्रैकेट होता है, तो देखो जैसे उदाहरण के लिए एक ऐसे ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर क्या है मझोला ब्रैकेट है, इसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, और जैसे मान लो यहाँ 70 और यहाँ पर मान लो आप कि क्या है यहाँ पर प्लस लिख करके 4 है ठीक और माइनस 10 है, ठीक ऐसे है और ब्रैकेट क्लोज है। ठीक, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अंदर से सॉल्व कर चलते हैं, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट कौन है, ये वाला एरिया सबसे छोटा ब्रैकेट है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक, ऐसे रहेगा, अब इसके अंदर क्या है 60 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सब ये जो स्मॉल ब्रैकेट सबसे अंदर वाला ये वाला हिस्सा है, इसका हमको क्या है अब इसके अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं अब वहाँ से, यानी 4 प्लस में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज। ठीक, अब इसको यहाँ से समझते हैं, इसके बाद से देखो अब इसके अंदर जो जो मझौला कोष्टक है इसको हम जोड़ते हैं तो 60 प्लस में 4 कितना 64 ब्रैकेट क्लोज और ये सारा तरह क्लोज। अब इसके अंदर कोई कुछ नहीं बचा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, यानी कुछ भी हमको गुणा भाग नहीं करना है या जोड़ घटाव नहीं करना है, सिंपल 64 एक वैल्यू आ गया है, क्या करेंगे इसको हम लोग यहाँ से 64 डायरेक्टली बाहर हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ डायरेक्टली हम क्या यहाँ से क्या हो जाएगा 64 बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट क्या है सब ब्रैकेट समाप्त हो गया, तो ऐसे ब्रैकेट खुला जाता है। ठीक है ना, यानी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज यानी बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को खोलते चलेंगे। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना क्या होगा सबसे अंदर वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद से हम बाहर सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, इतना समझ गए बोर्ड मास में, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी हम लोग आगे प्रश्न करेंगे तो क्या होगा उससे और क्लियरिटी हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग बेसिकली बोर्ड मास काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं आपका सामने अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम संख्याएं क्या मान लेंगे एक्स और वाई, दो संख्याएं मान लेंगे, अब दोनों का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग कितना है 68। फिर कह रहा है उनके अंतर का वर्ग यानी कि दोनों का अंतर जो होगा यानी एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर किसके बराबर दिया है 36 के बराबर दिया है। ठीक, और प्रश्न पूछा क्या है दोनों का गुणनफल यानी कि एक्स इंटू वाई पूछा है, एक्स का गुणा वाई से क्या होगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक, देखो तो यहाँ से जो स्क्वायर है यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अभी देखो ये क्या है किसके ऊपर किस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है कैसे इसको खोलेंगे हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू क्या माइनस टू एक्स वाई, और ये किसके बराबर होगा 36 के बराबर होगा। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक, इतना हो गया, अब देखो
इसमें वो क्या क्या चीज़ें प्राप्त है। यहाँ पर जो चीज़ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके देखो वैल्यू हमको पहले से पता है। यहाँ पर देखिए पहले से प्रश्न दे रखा है, तो क्या करें डायरेक्टली यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा इसकी जगह पर, माइनस में क्या यहाँ पर है 2xy बराबर में 36। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम इसको देखो आप यहाँ से ये माइनस 2xy बराबर हो जाएगा 36, और ये जगह क्या हो जाएगा माइनस में 68 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 2xy बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3, यानी कि माइनस 32 के बराबर। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x गुणा में y कितना आ गया 16, 16 दोनों 32 कटेगा ना यहाँ से, तो कितना आ गया x इंटू वाई 16 के विकल्प बी में दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना था बेसिक, अभी जो पीछे हम लोग फार्मूला देखे हैं शुरुआत में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको खोलेंगे तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पर मान पहले से, यहाँ पर इसको हमको वैल्यू इसकी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पहले से पता है कितनी है 68। तो यहाँ पर क्या करें हम 68 यहाँ पुट कर दिए, बाकी इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर क्या किए हम पक्षांतर करके एक्स इंटू वाई का मान ज्ञात कर लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याएं हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, दो संख्याएं मान लेंगे कौन सी, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं आप, दोनों का जोड़ कितना है 11, 14 है, उनका अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स माइनस में वाई है 10। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें, तो हम ये तो सिंपल है कट जाएगा यहाँ पर, ये क्या जाएगा 2x हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 12, क्योंकि यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 12, तो एक्स का मान कितना आ गया 12, एक्स प्लस में वाई कितना है 14 है, एक्स का मान यहाँ पर कितना मिल गया हमको पहले 12, तो यानी कि 12 प्लस में वाई कितना हो जाएगा 14, तो वाई का मान निकालेंगे क्या करेंगे 14 माइनस में 12, तो यहाँ पर क्या हो गया वाई बराबर 2। अब देखो x का मान 12 y का मान 2, दोनों का गुणा पूछा है यानी कि 12 गुणा में 2 पूछा है, तो क्या हो जाएगा 12 गुणा में 24, यानी कि ऑप्शन सी। दोनों संख्याएं ज्ञात कर लिए, कह रहा है दोनों का गुणा कर दीजिए, 12 गुणा 24 कर दिए। ठीक है, ये पूछा है लोअर थर्ड परीक्षा भर्ती परीक्षा 2016 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 45, यानी कि दो संख्याएँ क्या हैं, तो हम क्या करेंगे x और y मान लेंगे, x इंटू वाई किसके बराबर दिया है 45 के बराबर दिया है, और उनका अंतर यानी कि x माइनस में y किसके बराबर है 4, और पूछा है संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, यानी प्रश्न ये पूछा है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इन दोनों संख्याओं को वर्ग करने पर कितना आएगा। देखो इतना को पता है, देखो x माइनस में y 4 दिया है, तो हम क्या करें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी x माइनस वाई इधर भी वर्ग बराबर में 4 है, 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखो जो x माइनस वाई वो यहाँ पर किसका ये फार्मूला हो गया a माइनस बी के बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये कितना जाएगा 4 चौके 16। अब देखो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को हमको मान ज्ञात करना है, यहाँ हमको मिल गया, चलो क्या करेंगे इसको वैसे ही रहने दिया जाए, और ये क्या हो जाएगा बराबर में 16, ये क्या हो जाएगा प्लस 2xy, इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए था। ठीक, अब देखो एक्स वाई का मान कितना है, हमको बेसिकली इतना बस सॉल्व कर देना है, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए 16 प्लस में 2xy, देखो 16 ठीक है प्लस में 2, एक्स वाई का मान क्या कितने यहाँ पर आपसे पहले से दे रखा है 45, तो मल्टीप्लाई में 45 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 16 प्लस में 45 गुना में 90, तो 90 और 16 कितना हो जाएगा 106, कितना है टोटल आपका 106, यानी कि 106 क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
यह प्रश्न आया हुआ है आपका राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य कितना है 300, तो 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्न दिया है, अलग अलग भाग दे दिया। देखो पिज्जा तो सेम है, एक बार कह रहा है 4/7 और एक बार क्या कह रहा है 5/4। देखो नहीं 4/5, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, यहाँ पर भी 4 भाग ले रहा है, इसमें 4 भाग ले रहा है, लेकिन क्या है बेस अलग अलग है। यानी पहले में कह रहा है टोटल 7 है इसमें 4, दूसरा में कह रहा है टोटल 5 है तो इसमें 4। हम पहले इसको इक्वल बनाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों में क्या गुणा किया जाए, किससे गुणा किया जाए, क्या हो जाए कि दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे नीचे 5 से कर लीजिए, इसमें 7 से कर लीजिए, 7 से तो ऊपर 7 से भी करना पड़ेगा और इसमें ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले में 20/35 और दूसरे में क्या हो जाएगा 28/35। अभी समझ में आ रहा है कि 35 हिस्से में से 28 की और 35 हिस्से में से 20 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है 4 भाग का मूल्य, यानी कि ये पहला का, ये पहला भिन्न का है, यानी कि 35 टोटल हिस्सा था, उसमें से 20 हिस्से का मान कितना है 300 रुपया है। यानी हम कह देंगे 20 हिस्से का मान कितना है 300 रुपया। पूछा कितना है 4/5, यानी कि 35 में से 28, यानी सिंपली 28 का मान पूछा है। 28 का मान क्या हो जाएगा 300/20×28, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। तो कितना हो जाएगा दोनों गुणा करने पर, 15 और 28 से गुणा करने कितना हो जाएगा आपका 420। ठीक, तो ये आपका 420 रुपया हो जाएगा पूरा। मतलब हम इसमें ये बस बनाना चाहेंगे ना, उसका मतलब बेस जो उसका हो क्या हो जाए, यानी कि देखो पिज्जा तो एक ही था, एक बार 4/7 एक बार 4/5 कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बेस को बराबर कर लेंगे, इसमें भी 35 इसमें भी 35। अब जो दोनों बेस बराबर हुआ, तो पहले में कह रहा था 35 में से 20 का मान दे रखा है, 20 हिस्सा यदि 35 टोटल पिज्जा है और उसमें से 20 हिस्सा निकाल रहे हैं तो 300 रुपये लगेगा। 28,000 कितना लगेगा, 28,000 का 420 रुपये लगेगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का फिर प्रश्न आ गया आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। ठीक, और ये आपके यहाँ पर 25 + 16 डिवाइडेड है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 × 3 − 4 × 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 5। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही ब्रैकेट के अंदर है, तो लिखेंगे इसको 42 − 2। देखो यहाँ से 4 से 4 = 16 कट जाएगा ये। ठीक, अब देखो यहाँ पर जाएगा 25 + 4 = 12 − 16 + 5। ठीक, यहाँ पर 42 − 2। अब देखो 25 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 − 16 + 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 42 − 2 और कितना बचेगा 21 बचेगा और इधर प्लस में 5 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा फिर से 42 प्लस माइनस माइनस 21 दूने 42, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा कितना हो जाएगा 42 और ये प्लस 5। देखो तो 42 से 42 खत्म, एक प्लस में एक माइनस में तो खत्म हो गया, कितना बचा केवल प्लस 5, क्योंकि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, ऐसे सिंप्लीफिकेशन में प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से, इसमें ये फायदा होता है ना कि इसमें नंबर हम लोग का मैथमेटिक्स में नहीं कटेगा, थोड़ा सा मेहनत कर दें तो जितना नंबर है फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि ए और बी इतना दिया है और कह रहा है ए बी से विभाज्य है तो परिणाम की गणना करें, यानी ए जो वैल्यू है किससे भाग होती है बी से, तो क्या होगा। तो ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ए बराबर जो दिया है इसको सॉल्व करेंगे, ए बाई 2 − 1/4 + 1/5 − 1/6। तो क्या करेंगे इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका,
एलसी में जाएगा आपका 6 5 30, यानी कि 30 नहीं हो पाएगा ना, 60 हो जाएगा इसका एलसी। तो ये 2 से 30 बार में 30 माइनस 4 से 15 बार, 100 को 60, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, यही है। अब तो देख लेंगे इसमें कितना हो रहा है, ये 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, और माइनस में 25 बटा में 60, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 12 में से 5 गया तो 7, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी 17 बटा में 60। किसका मान है ये, ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या आ गई 17 बाई 60। ठीक, देखो तो ए का मान हम कितना ज्ञात हो गया, ए का मान आ गया 17 बटा में 60। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब बी की वैल्यू निकालने क्या हो जाएगा, वैसे इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली इसको ऐसे ही बना लीजिएगा, बी निकाल करके हमने निकाल कर देख लिया है, बी की वैल्यू आ रही है आपकी 5 बटा में। अब इसको देख लीजिएगा, बाकी इसको बनाने का मतलब है नहीं निकालने का, जो भिन्न का जो घटाव है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्या, जैसे ए बनाए वैसे बी बनाएंगे, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है जो, अब इसको ऐसे सेट कर लेंगे, कह रहा था ए संख्या किससे विभाज्य है, बी से, डिवाइडेड बाई बी करेंगे 5 बटा में 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 बटा में 60 मल्टीप्लाई बाई 90 बटा में 5। ठीक, जो तो यहाँ से ये कट जाएगा 18 5 90, 6 से काटेंगे 6 3 18 और 6 10 60, यानी कि 17 3 ऊपर कितना आ रहा है 51 बटा में 10। तो देखो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, देखो 10 5 50 और 1 51, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, भिन्न का जो घटा जो भी दिया उसको करके, और उसके बाद ए को बी से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 51 बटा 10, जो कि पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 पूर्णांक 1 बटा 10। ठीक, अगला प्रश्न फिर से सिंप्लीफिकेशन का देख लेते हैं इसको भी। देखो कह रहा है 35 प्लस में, देखो इसके अंदर पहले से ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 गुणा 9, तो गुणा कर लेंगे 45, और डिवाइडेड बाई कितना है 3 प्लस में 6, पूरे का ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 12। इसके अंदर पूर्णांक में दिया है तो 3 6 2 8 बट्टा 3, तो -8 बट्टा 3 हो जाएगा, और प्लस में ब्रैकेट के अंदर है 4 3 12 और 1 13 बट्टा में 4, पूर्णांक तोड़ लेंगे ब्रैकेट क्लोज, और इसको डिवाइड कर रहा है 2 से। ठीक, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 35 प्लस, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 3 45, और प्लस में 6। और यहाँ बट्टा में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नीचे वालों का, तो एलसीएम हो जाएगा 12 3 4 12, तो 8 8 4 32 प्लस 4 3 12 13 39, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी कितना है 2 है, और पूरे के डिवाइड में 12। ठीक, अब देखो ऊपर थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें स्थान कम बच रहा है, यहाँ से इसके आगे से इसके आगे ये है, तो 35 और 15 कितना आ गया 50 हो जाएगा, 35 45 10 50 और 6 56, यानी कि ऊपर जो बच रहा है अब 56 बचा है, और इसके बट्टे में कितना बच रहा है 39 में से 32 घटा लेंगे कितना जाएगा 7 बट्टा में 12, यहाँ पर 7 बट्टा में 12, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसमें क्या है डिवाइडेड बाई 2 है, पूरा का डिवाइडेड कितना है 12। ठीक, मैं इस काम करता हूँ, इसको अगले पेज पर ले लेता हूँ। ठीक है, आप इसका किसको जो पेज पर लिखिएगा तो यहाँ से थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, 56 बटा में कितना है 7 बटा 12 डिवाइडेड बाई 2, देखो 56 बटा में
सात बट्टा बारह, फिर ये ब्रैकेट में था और यहाँ पर डिवाइडेड बाई टू है, और पूरे का जो डिवाइडेड है वो किससे है, बारह से। यही सा इतना हम लोग कर लिए थे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर छप्पन और पूरे का बट्टा, यहाँ पर चलेगा ब्रैकेट आपका आराम से। अब देखो यहाँ पर भाग है, यहाँ पर बट्टा में क्या करें हम एक मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सात बट्टा में बारह और गुणा में क्या हो जाएगा एक बट्टा में दो। तो यहाँ से देखो और यहाँ पर क्या है डिवाइडेड बाई बारह अभी भी है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो तो नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा छप्पन बट्टा में सात बट्टा में चौबीस, ठीक चौबीस क्या हो जाएगा यहाँ से। अब पूरे के डिवाइड में क्या है बारह है, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा छप्पन क्या हो जाएगा, अब ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा चौबीस ऊपर चला जाएगा और सात नीचे आएगा, और फिर क्या है पूरे के बट्टा में बारह दूसरा भाग देना है तो गुणा बारह नीचे और आ जाएगा भाग देना है। तो देखो तो बारह दूनी चौबीस और सात आठ है छप्पन, तो आठ दूनी सोलह, ठीक है। कितना हो गया आपका पूरा सोलह इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर इसमें है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सोलह, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोलह। और ये किसने पूछा हुआ है गन्ना पर्यवेक्षक 2019 की परीक्षा में पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, ठीक है, इसलिए थोड़ा दो तीन पेज में बनाना पड़ा, ठीक है। बाकी आप लोग आराम आराम देखेंगे वीडियो को समझ में आ जाएगा, ठीक। लास्ट प्रश्न आपका है, ये भी सिंपलीफिकेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे मैं डायरेक्टली यहीं से बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है, क्योंकि पेज बहुत आ नहीं रहा है, फिर इसमें बार बार पेज चेंज करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर पॉइंट वन का पॉइंट वन में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 पहली बार में, फिर प्लस फिर क्या है पॉइंट जीरो वन का पॉइंट जीरो वन, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.00001, ठीक। दूसरे का हो जाएगा और सबसे जो लास्ट में उसका क्या हो जाएगा 0.1/10, अब पूरे को भाग देना है 0.1, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे अब जोड़ना है सबको, तो 0.01 प्लस 0.000 फिर 1 माइनस भाग देना दो से क्या हो जाएगा 0.01 ये सब हो जाएगा। अब पूरे बटन क्या है 0.1, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगा इन दोनों जीरो में घटाना है। देखो तो 0.01 क्या है ये प्लस में है, 0.01 क्या है माइनस, तो यहीं समाप्त हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर पर बचा 0.0001 और नीचे क्या है 0.1, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा नीचे दशमलव, ऊपर दशमलव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ऊपर जीरो, तो यानी कि 0.001 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे नीचे एक अंक के बाद दशमलव तो क्या करेंगे ऊपर, यहाँ पर जब इसको हटाएंगे दशमलव तो एक अंक ऊपर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.001 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, डेसिमल देखा थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बड़ा प्रश्न है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। और ये आया प्रश्न आपका लोअर रे एग्ज़ाम 2017 जो कि 2019 में एग्जाम हुआ, ठीक है। बस आज के लिए बाकी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। बाकी आप लोग अपना फीडबैक और ज़रूर बताएं कि हम लोग और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई सवाल या सुझाव जो भी हो आप क्या करेंगे कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे आप अपना प्रश्न को या भी जो भी का सुझाव है देंगे, ठीक है। बाकी आप बताइएगा कि हम लोग वीडियो में कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आप और क्या क्या सिलेबस आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।